नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम बिना अस्पताल जाए हुए, बिना किसी तरीके की अलग दवाई लिए हुए, बिना अंग्रेजी दवाई का सेवन किए हुए, चाहे बिना कहीं पे पैसा खर्चा किए हुए, किस तरीके से अगर हमारी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, दो भाग में बढ़ जाती है, तो किस तरीके से हम बिना किसी हॉस्पिटल के, बिना कोई बाहरी दवाई के, बिना किसी खर्चे के, हम अपने घर पे खुद से तैयार करके औषधि को बना के हम अपनी हड्डी को, अपने फ्रैक्चर को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, जो भी सर ने बताया ये बहुत आसान है। बिना किसी डॉक्टर के पास जाए या फिर किसी बिना किसी से दवा लिए, बिना किसी से मतलब किसी भी तरह का औषधि लिए, बिना खुद से घर में तैयार करके हम लोग हड्डी को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि इसे दिक्कत हुआ है, टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, ना काम पे जा पा रहे हैं, ना कुछ, जिसके वजह से मेरे पास पैसा भी नहीं है और दवा भी नहीं ले पा रहे हैं जी, जिसके वजह से हड्डी जोड़ना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो हो सकता है और उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। कहीं जा करके जो आप औषधि लेते हो उससे भी बेहतर हो सकता है, आपको इससे रिजल्ट मिल सकता है। सो औषधि आप घर में तैयार करोगे, इसमें दो तरीके की औषधि आप तैयार कर सकते हो। एक होती है दो औषधि, एक का नाम है हड़जोड़, जो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको हम लोग कुछ नए तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सीखेंगे। और साथ में और एक पौधा है, बहुत ही विचित्र है, हमारे प्राकृतिक में पाए जाने वाला, उसका नाम है बीधारा। आज ये दोनों का मिला करके हड्डी को जोड़ने में किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विधारा को किस तरीके से उपयोग करें कि आपके लिए उपयोग करने में आसानी हो, उसके साथ साथ जो आपका रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसको उपयोग करने के वो आपको आसानी से दिख सके। विधारा का सबसे पहला उपयोग जो आसानी रूप से मतलब आप कर सकते हो, इसका है कि विधारा, सबसे पहले आप विधारा का पहचान जान लो। विधारा होता क्या है? विधारा एक पौधा है जिसका लत होता है, लत के रूप में वो पाया जाता है, और उसका जो पत्ता होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, जो आप अभी पिक्चर में दिख रहा होगा, इसको आप देख सकते हो, उसके फूलें बहुत खूबसूरत होती है जी। इसका जो पत्ता है इसको पीस करके आप जहाँ पे हड्डी टूटा है उस जगह में आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक से दो चम्मच इसका जो पत्ता है इसका रस निकाल करके सीधे आप सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सबसे पहला उपयोग हुआ आपका। इसके बाद आता है इसका दूसरा उपयोग। इसके अगले उपयोग के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, पहला तिल तेल और दूसरा हड़जोड़। तो इस पे क्या करना होता है कि जो हमारा कच्ची घानी यानी कि जो मिल से लाया हुआ जो तिल तेल होता है प्योर वाला, 200 ग्राम के लगभग हमें तिल तेल की आवश्यकता होती है। उस तिल तेल में लगभग आप मान के चलो 30 ग्राम के आसपास हमें हड़जोड़ की आवश्यकता होती है। लेकिन इस चीज़ का विशेष रूप से हम ध्यान रखना आपको होगा कि वो हड़जोड़ आप डायरेक्ट अपने हाथों से टच नहीं कर सकते हो, नहीं छू सकते हो। इसका कारण ये है कि उसका जो प्रकृति होता है ये बहुत खुजलाता है ना, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, इसका प्रकृति इसी तरीके से होता है। तो आपको विशेष रूप से इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको कूट दोगे और जो 200 ग्राम आपका तिल का तेल होगा उसके ऊपर इसको डाल के, छोटे छोटे पीस में डाल के आप धीमी आंच में इसको रहने दोगे। लगभग लगभग आप ये मान के चलो कि 70% आपका बचना चाहिए, बाकी 30% ये तेल जो है आपका उड़ जाएगा। अब आपका क्या हो गया, कुछ समय बाद आपका जो हड़जोड़ का तेल हो गया वो रेडी हो गया। अब इसको हम विधारा के साथ किस प्रकार से मिलाकर यूज कर सकते हैं ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले, ये हम अभी जानेंगे। पहले आपने जान लिया सिर्फ विधारा को किस हिसाब से यूज करना है, ठीक है। उसके साथ अगर आप जैसे अभी हड़जोड़ का तेल तैयार करने के लिए बताया गया, उस तेल को अगर आप मिला करके यूज करते हो तो और बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हो जी। जो अभी हम लोग हड़जोड़ का तेल तैयार करने के बारे में जाने, उसको क्या करना है, कोई विधारा का 3 से 4 पत्ता ले लेंगे हम लोग। 3 से 4 पत्ता लेंगे, उसको जो तेल हम लोग तैयार किए हैं उस तेल में उसको भिगो देंगे। भिगो देने के बाद उस जो पत्ता है उसको हल्का गर्म कर लेंगे हम लोग। हल्का गर्म करने के बाद जहाँ पे मेरा हड्डी टूटा है उस जगह पे ले करके कोई कपड़े या फिर किसी चीज़ से उस पत्ते को बांध करके हम लोग 4 से 5 घंटा रखेंगे। उसके साथ साथ जैसे हम लोग उसका पत्ता का जो 1 से 2 चम्मच रस निकाल करके पीते थे वो भी साथ में पीना है, और इसी तरह का पत्ते को उस तेल में भिगो करके गर्म करके लगा के भी रखना है। ये दोनों चीज़ अगर आप करते हो तो जो पहले जो उपाय था उससे भी और बेहतर
और उससे भी तेजी से आपको रिजल्ट मिल सकता है। जी, तो आज हम जानें कि विधारा का उपयोग हम किस प्रकार से करें ताकि हमें घर पे ही बिना किसी अस्पताल जाए हुए, बिना किसी हॉस्पिटल की सहायता से, बिना किसी अंग्रेजी मेडिसिन की सहायता से हम घर पर ही अपने हड्डी को, अपने फ्रैक्चर को जोड़ सके। तो विधारा जो है, विधारा सिर्फ हड्डी जोड़ने के लिए नहीं, ये और भी बहुत सारे काम में आती है। ये एक दिव्य औषधि है हमारे प्राकृतिक में पाए जाने वाली। ये जो औषधि है, आपका शरीर में किसी तरह का कट लग जाता है या फिर कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे बहुत सारे शुगर वाले पेशेंट होते हैं जिनको गैंग्रीन हो जाता है जो ठीक होने का नाम नहीं लेता है, ऐसे जगह में भी आप इसका इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हो और घावों को बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी ये जो विधारा है बहुत जल्दी से वो ठीक कर देती है। जी, कैसे भी घाव हो, किसी तरह का भी हो, आप 3 से 4 दिन में आप रिजल्ट उसका देख सकते हैं। जी, तो आज के लिए हम अपनी वाणी को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।